वेलकम व्यूवर्स, वेलकम टू खान कुक बुक। हम आज हमारे किचन में बनने जा रहा है पेरी पेरी चिकन इन टू वेज। एक हम करेंगे ग्रिल और एक को करेंगे बेक। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें और इसके साथ जो बेल आइकॉन है उसको दबाने से मेरी रेसिपी आप सबसे पहले देख सकते हैं। रेसिपी पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। ओके सो व्यूअर्स, हम बना रहे हैं पेरी पेरी चिकन विद टू वे। एक मैं करूंगी ग्रिल और एक मैं करूंगी बेक। सबसे पहले हम चिकन को काट लेंगे। मैंने ये चिकन जो है पहले से ही काट के इसे ये देखें रखा हुआ है, तो इसी तरीके से मैं दूसरा भी काटूंगी और मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कैसे काटना है। तो सबसे पहले आप चिकन को साफ़ वगैरह कर लें, उसे ड्राई कर लें। तो ये जो पार्ट है ये वाला, तो यहाँ पर यहाँ मिडल से इसे कट करेंगे। तो ये जो मिडल का है इसको कट करेंगे यहाँ से। यहाँ से ये कट गया और इसके बाद ये वाला जो इसका लेग का पार्ट है, लेग और थाई, तो इसको आप हाथ से ही अगर कर सकें तो हल्का सा इसकी ये बोन जो है वो आप तोड़ लें। ये देखें ये बिल्कुल फ्लैट हो गया है दोनों साइड से। तो ये दोनों चिकन जो हैं ये रेडी हैं। तो चिकन रेडी हो गए हैं। अब मैं बनाऊंगी पेरी पेरी सॉस। तो इसको हटाते हैं इधर से। अब बनाएंगे पेरी पेरी चिकन सॉस। मैं ले रही हूँ ऑलिव ऑयल। तो आप कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं लेकिन मैं यूज़ कर रही हूँ ऑलिव ऑयल और मैं लूँगी तकरीबन एक कप। अब मेरे पास है तकरीबन 2 टेबल स्पून लेमन जूस, तो ये भी मैं इसके अंदर डाल दूँगी। तो स्पाइसेस में मेरे पास है पापरिका पाउडर 1 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून, रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून, काली मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, 1/2 टेबल स्पून शुगर है और इसके साथ है 1/2 टीस्पून ओरेगनो। तो ये सारी चीज़ें भी इसी ऑयल में चली जाएंगी। पहले पहले ये सॉस जो रेडी हो गई है इसको मैं करूँगी इस साइड पे। तो ये चिकन के ऊपर मैं ये जो सॉस हमने अभी बनाई थी मैं ये इसको मैरिनेट कर दूंगी। तो ये मेरे पास जो है, क्योंकि हम 2 चिकन बना रहे हैं तो एक ग्रिल करूँगी और एक करूँगी मैं उसे बेक। तो मैं दोनों के ऊपर ये सॉस लगाऊंगी। तो आप ब्रश की मदद से या हाथ की मदद से अच्छी तरह इसके ऊपर ये मैरिनेट कर दें। ओके सो व्यूअर्स, मैंने एक चिकन के ऊपर इसके ऊपर मैरिनेशन कर दी है और इसके बाद मैं दूसरे के ऊपर भी कर दूंगी। तो इसको करूंगी मैं साइड पे और हम बनाएंगे दूसरी सॉस। ओके सो व्यूअर्स, हम बनाएंगे दूसरी सॉस। तो मेरे पास है ये 4 गार्लिक क्लोव, ये रेड चिली है होल, इसको मैंने चॉप कर लिया है। ये तकरीबन मैंने ली थी 3 से 4 और मैंने 1 स्लाइस किया हुआ प्याज लिया है, एक्चुअली ये 1/2 प्याज है। तो और उसके साथ मैं ले रही हूँ रेड बेल पेपर और ग्रीन पेपर। तो 1/2 मैं इसका यूज़ करूँगी। इसको हम स्लाइसिस कर लेते हैं। मैंने पेपर्स काट ली हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि मेरे पास है ये स्मॉल साइज का पैन और इसमें मैं डालूंगी तकरीबन 1.5 कप पानी।
और इसे अच्छी तरह गर्म कर लेंगे। ओके, तो जैसे ही पानी गर्म होने लगे तो इसके अंदर डाल देंगे हम बाकी इंग्रेडिएंट्स। हाफ प्याज जो मैंने स्लाइस किया था वो भी पानी के अंदर चला जाएगा, और ये रेड चिली ये भी इसके अंदर डाल देंगे, और गार्लिक क्लोव ये भी चले गए, रेड और ग्रीन पेपर्स भी हम डाल देंगे, और उसे इतनी देर पकाएंगे कि ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। सो मैंने इसको हाई फ्लेम के ऊपर रखा हुआ है, तो जैसे ही ये पेपर्स सॉफ्ट हो जाएं तो हम इन फ्लेम बंद कर देंगे। सो व्यूअर्स, ये ऑलमोस्ट सॉफ्ट हो ही गया है, तो मैं अब फ्लेम को बंद कर रही हूँ और इसे करेंगे अब हम ब्लेंड। ओके, इसे एक दो मिनट तक इसे ब्लेंड कर लें अच्छे से, ताकि ये नाइसली हर चीज ब्लेंड हो जाए। ओके, ये जो सॉस है ये रेडी हो गई है, तो इसे मैं थोड़ी देर ठंडा होने दूंगी और फिर हम इसको चिकन पे मैरिनेट करेंगे। सो व्यूअर्स, जो है चिकन को हमने हाफ मैरिनेट किया था ऑयल मिक्सर बनाकर, और अब जो है ये सॉस जो है ये इसके ऊपर लगाएंगे, इससे मैरिनेट करेंगे। सो मैं इन दोनों चिकन को इस सॉस के साथ मैरिनेट करूंगी। मैंने पहले हाफ मैरिनेशन कर ली थी इसकी, और अब बाकी जो है इसको मैरिनेट कर रहे हैं। तो इनको मैरिनेट करने के बाद तकरीबन जो है एटलीस्ट 30 मिनट्स के लिए तो इसे रखेंगे, क्योंकि अगर आपके पास टाइम हो तो आप इसे ओवरनाइट भी कर सकते हैं। तो ये एक साइड से हो गई है, जस्ट डन करेंगे और फिर दूसरी साइड पे भी लगा देते हैं इसी तरह ही। अगर आप इस सॉस को पहले से बना कर रखना चाहते हो तो आप पहले से भी बना कर रख सकते हैं, तो ये काफ़ी दिन आप फ्रिज में ये रख सकते हैं, तो जब भी ज़रूरत हो आप तब बना लें। तो ये चिकन जो है वो मैरिनेट हो गया, ये थोड़ी सी बची है ये भी मैं इसके ऊपर डाल देती हूँ। सो व्यूअर्स, चिकन जो है वो मैरिनेट हो गया है, दोनों चिकन को हमने मैरिनेट कर दिया है, और इसको मैं 30 मिनट्स के लिए रखूंगी इसी तरह ही, फिर हम इसको बेक करेंगे और साथ ग्रिल भी करेंगे। सो व्यूअर्स, चिकन को मैरिनेट हमने कर दिया था दोनों को, अब मेरे पास है ट्रे, सबसे पहले मैं चिकन को ओवन में रखूंगी बेक करने। तो ये चिकन लिया है लेके, इसको मैं मैं इसको 400 प्री हीटेड ओवन में 20 मिनट के लिए रखूंगी, और उसके बाद मैं दिखाऊंगी कि आपने क्या करना है। तो ये वाला तो जा रहा है बेक होने के लिए। सो अब मैं दूसरे चिकन को करने लगी हूँ ग्रिल, और ग्रिल करने के लिए हमें क्या चाहिए, मेरे पास है एक स्मॉल साइज़ की ग्रिल, ये फ्राई पैन के साइज़ की है, तो ये है सिर्फ ग्रिलिंग करने के लिए, और इसके ऊपर मैंने ऑयल लगा दिया है, तो ये गरम हो गया हुआ है। अब इसमें मैं डालूंगी चिकन, मैंने चिकन को ग्रिल में डाल दिया है। शुरू में आप फ्लेम को हाई रखें, और ये मेरे पास जो मिक्सचर मैंने ऑयल का बनाया था ये मेरे पास थोड़ा सा लेफ्ट ओवर था, तो ये मैं इसके ऊपर ब्रश कर दूंगी। 5 मिनट तक आप इसको हाई फ्लेम पर रखें, और इसके बाद फ्लेम को थोड़ा स्लो कर लें। तो अभी बस मैं इसे टर्न करने लगी हूँ, मैंने इसे 10 मिनट दिए थे एक साइड के ऊपर, अब मैं इसे टर्न करूँगी और इसके बाद 10 मिनट ही इसे दूसरे साइड से कुक करेंगे। देखिए कितनी अच्छी इसकी लुक आई है, और इस फ्लेम को मैंने मीडियम पे रखा हुआ है, तो आप इसे अब 10 मिनट के लिए दोबारा से मैं इसे मीडियम पे रख रही हूँ, और मैं अब इसे
मैं अब इसे कवर कर दूंगी ताकि ये अच्छे से टेंडर भी हो जाए। सो व्यूअर्स, ये देखें हमारा पैरी पैरी चिकन जो है वो ग्रिल हो रहा है। ये ऑलमोस्ट जो है वो डन हो गया है। वो मैं आपको दिखा दूँ दूसरी तरफ भी कि ये कैसा लग रहा है। ये बिल्कुल टेंडर भी हो चुका है, ये देखें। ये ऑलमोस्ट रेडी है, देखो कितनी मज़ेदार इसकी लुक लग रही है। ना मज़े का लग रहा है हमारा पैरी पैरी चिकन या नैंडो चिकन। जब चिकन जो है वो ऑलमोस्ट 75% जो है वो डन हो जाए तो फिर आप फ्लेम को स्लो पे रखें ताकि वो स्लो फ्लेम में ही ये पके। शुरू में आप फ्लेम को हाई रखें लेकिन 10 मिनट के बाद आप फ्लेम को लो से मीडियम पे रखें और जब देखें कि चिकन जो है वो ऑलमोस्ट रेडी हो गया है तो उसको बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर पकने दें ताकि वो अच्छी तरह से टेंडर हो जाए। सो व्यूअर्स, ये हमारा पैरी पैरी चिकन ऑलमोस्ट डन हो गया है। तो ये देखें ये अच्छी तरह से टेंडर भी हो चुका है। और इसको मैं 10 मिनट के लिए दोबारा ओवन में रखूंगी। इसका मैंने फॉइल पेपर जो था कवर उतार दिया है तो इसको ऐसे ही मैं 10 मिनट के लिए रखूंगी ताकि इसकी जो ऊपर से ये थोड़ा सा क्रिस्पी हो जाए और इसका जो कलर और लुक जो है वो नाइस हो जाए। तो चले मैं इसको ओवन में दोबारा रख रही हूँ। तो व्यूअर्स, पैरी पैरी ग्रिल्ड चिकन जो है वो बिल्कुल रेडी हो गया है। मैं फ्लेम को ऑफ कर रही हूँ और इसे हम ये देख लें, चेक कर लें क्या ज़बरदस्त ये जो चिकन बना है। और अब इसे मैं यहाँ से मूव कर रही हूँ। ओके, तो हमारा ग्रिल चिकन भी रेडी हो गया और मैंने जो चिकन बेक किया था वो भी रेडी हो। सो व्यूअर्स, आपने देखा कि हमने दो तरीके से चिकन बनाया, एक को ग्रिल किया और एक को हमने बेक किया। तो दोनों तरह से कितना ज़बरदस्त चिकन बना है। सो आई होप कि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगेगी, आप मेरी रेसिपी को फॉलो करेंगे और मेरा पेज और मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग खान कुक बुक। सी यू नेक्स्ट टाइम।